युवक की गला रेतकर निर्ममता से हत्या, पत्नी झांकी देखने गई थी, जांच में जुटी पुलिस। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पोहरी बस स्टैंड के पीछे मनिया क्षेत्र में शुक्रवार की रात उस समय सनसनी फैल गई जब एक 40 वर्षीय युवक किसी ने उस पर धारदार हथियार से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतक अपनी पत्नी और बेटे के साथ घर में रहता था। घटना के वक्त दोनों घर से बाहर थे। जानकारी के अनुसार राकेश पुत्र धर्मा जाटव उम्र 45 साल निवासी दुलही थाना भौती हाल निवासी पोहरी बस स्टैंड के पीछे एक सरकारी मकान में अपनी पत्नी कमलेश और बेटे जितेंद्र के साथ रहकर मजदूरी करता था। मृतक की पत्नी ने बताया कि शुक्रवार की रात में वो माता की झांकी देखने पड़ोस में गई थी। उसका बेटा भी घर से बाहर था। जब रात में वो झांकी देखकर लौटी तो उसके पति राकेश की लाश लहूलुहान हालत में खटिया पर पड़ी हुई थी। घर के फर्श पर चारों तरफ खून बिखरा था, जिसे देखकर वो चिल्लाए तो पड़ोसी दौड़ कर आए, इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश की बारीकी से तलाश लेकर फिंगरप्रिंट लिए गए। बताया जा रहा है कि किसी धारदार हथियार से राकेश की गर्दन काटी गई है। शनिवार की सुबह शिवपुरी SP राजेश सिंह चंदेल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस मजदूर की हत्या और हथियारों का पता लगाने में जुट गई है। आज एक बॉडी यहाँ मिली है घर में खून आलूदा, तो क्या पूरा मामला है सर? अभी तक विवेचना में क्या सामने आया? कल रात में एक सूचना आई थी, उसमें राकेश जाटव जी हैं 50 साल के, ये यहाँ रहते थे जगह पे अपनी पत्नी के साथ में, और इनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा तो गुजरात में है, दूसरा बच्चा आया हुआ है। तो उनका ये बताना था कि परिवार में जो बच्चे हैं कि वो गए हुए थे 7:30 बजे से, और 8:30 बजे उनकी माँ भी कहीं झांकी में गई थी, वापस आई है तो दरवाज़ा ऐसा लगा कि बंद है, उन्होंने खटखटाया तो दो लोग एकदम निकले यहाँ से तेज़ी से, और जब अंदर जाके देखा तो पति का गला कटा हुआ है। तो इसमें FIR कर ली गई है, और इसका पूरी तरीके से सारे जो चांसेस हैं उनके हिसाब से इसकी लिखा पड़ी वो करवा रहे हैं विवेचना में, तो तथ्यों संकलन करा रहे हैं, आसपास में CCTV भी देख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कौन लोग थे जो अंदर बैठे हुए थे, और जल्दी हम पकड़े। मृतक की पत्नी के सामने जैसे आरोपियों का भगना बता रही हैं, वो तो क्या पहचान नहीं पा रही हैं किसी को? हाँ, अभी कह रहे हैं कि कल अंधेरा था यहाँ बाहर की तरह, ठीक से नहीं देखा, कुछ हुलिया बताया है तो उसको अभी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू सर।